हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन एंड दिस चैप्टर इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. फर्स्ट ऑफ नो वी शुड नो व्हाट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया अगर आप बात करते हो 3D शेप की, मीन्स सॉलिड शेप की, तो सॉलिड शेप में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होता है. वॉल्यूम क्या होता है? जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है किसी भी सॉलिड शेप ने, वो वॉल्यूम है. मान लो मैंने लिया ये सिलेंडर, सिलेंडर में जो ये अंदर की साइड जो इसका वॉल्यूम जो स्पेस है वो वॉल्यूम है. कि इसके अंदर मान लो मैं बोलती हूँ कि इसके अंदर वाटर स्टोर करना है, तो कितना इसके अंदर पानी आएगा वो इसका वॉल्यूम होगा. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी चीजें स्टोर कर सकता है या उसके अंदर कितना स्पेस है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं. देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा? एक होता है सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया एंड अनदर इज लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल को ही हम कर्व्ड भी बोलते हैं. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? अगर हम इस सिलेंडर में बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ होल सॉलिड शेप, टॉप बॉटम एंड साइड वाला सारा एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा. अगर लैटरल की बात करते हैं, अगर इसका आप टॉप और बॉटम रिमूव कर देते हो तो ये क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया. अब मान लो आपकी बुक है, बुक से अगर हम एक सिलेंडर बनाते हैं, बुक से सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर बन गया, नीचे सर्कुलर पार्ट है, ऊपर सर्कुलर पार्ट है, इधर सर्कुलर पार्ट, इधर भी सर्कुलर पार्ट, तो इसको आप क्या बोलोगे? सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर अगर साइड वाला एरिया आप सिर्फ ये वाला लेते हो, ये एरिया क्या होगा? ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया होगा. अगर आप बात करते हो इसके साथ आपने इसका टॉप और बॉटम ये दोनों एरिया ऐड कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल सरफेस एरिया. अगर आपको ये टू टर्म्स क्लियर हुई है तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और कब लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब कई बार क्या कंडीशन आती है कि ये टॉप से ये ओपन है, अगर ये ओपन है तब आप हम क्या करते हैं? लैटरल सरफेस एरिया लिया. ठीक है, उसके अंदर एरिया ऑफ वन, दिस इज सर्कल, वन सर्कल ऐड कर देंगे और टोटल सरफेस एरिया निकाला आपने, उसके अंदर से जो टॉप वाला पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, बात एक ही होगी इसमें. ठीक है, ये निकाल के इसको ऐड कर दो या पूरा निकाल के टॉप वाला माइनस कर दो, ऐसे हम लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. कोई भी फेस हो सकता है इसमें. और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कि इसके अंदर कितनी चीज आएगी, अगर ये इसको मैंने नीचे से इसको क्लोज कर दिया तो इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. इसके अंदर टोटल कितना स्पेस है वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वन देखिए. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का, एंड उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. एंड लेंथ विड्थ एंड हाइट, दिस इज गिवन. लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, विड्थ या फिर ब्रेथ एक ही बात होती है, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ
क्यूबोइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके देन फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इज 12 ब्रेथ इज 15 लेंथ इज 15 ब्रेथ इज 12 इनटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे 12 फाइव जा 60 12 वन जा 12 प्लस 6 18 देन ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 180 आया 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 दिस इज योर आंसर एंड यूनिट विल बी देखिए सेंटीमीटर 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 मींस सेंटीमीटर क्यूब. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर वॉटर टैंक आर 2 मीटर 20 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 85 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 10 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर टैंक. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. रेक्टेंगुलर वॉटर टैंक मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल. अब इससे आपको सॉलिड शेप बनानी है तो सॉलिड शेप क्या बनेगी इससे ये एक क्यूबोइड बन गया तो इससे क्यूबोइड बनेगा मीन्स जो शेप ऑफ वॉटर टैंक है दैट इज क्यूबोइड. सो वी विल राइट इसमें अगर आपको कभी भी ऐसे गिवन हो तो ये ध्यान रखना 2 मीटर 20 सेंटीमीटर बाय करके गिवन है कभी भी इस टाइप से हो तो ये इसमें अंडरस्टूड होता है फर्स्ट वन दिस इज लेंथ दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट. सो वी विल राइट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबोइडल क्यूब बन गया ये क्यूबोइडल वॉटर टैंक दैट विल बी इक्वल टू अब यहां पे हम नोट कर देंगे 2 मीटर 20 सेंटीमीटर. अब देखिए सेंटीमीटर में जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करते हैं 2 मीटर प्लस 20 बाय 100 देन वी विल गेट 2.20. ओके सेम जब हम इसमें करेंगे तो इसके लिए कोमा लगा के अब मैं कर देती हूं ये या बाय है तो इनटू 1 मीटर 85 सेंटीमीटर है तो 1.85 इनटू 1.10 1 मीटर 10 सेंटीमीटर दिस इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दीज आर इन सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वॉल्यूम ऑफ वॉटर टैंक दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वी विल मल्टीप्लाई 2.20 इनटू 1.85 इनटू 1.10 When we will multiply this, we will 4.477 and this will be in, sorry ये सेंटीमीटर में नहीं ये मीटर में है क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया आई एम सो सॉरी मीटर में है ये तो मीटर क्यूब दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1024 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द हाइट इफ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर जो गिवन है पहले हम वो नोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज गिवन सॉरी हाइट वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस इज गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर रेडियस आपको इसमें गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट. सो जो भी गिवन होता है जैसे इसमें वॉल्यूम गिवन है तो हम पहले इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला नोट करेंगे. देखिए ये इजी है और ये वाला
जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये एवरग्रीन है, इसको आप कहीं भी यूज करिए, कि जो भी गिवन होता है पहले उसका फॉर्मूला हम नोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, रटना नहीं है, अगर रटोगे तो आप फंसोगे कहीं ना कहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाए आर स्क्वायर एच, दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाए आर स्क्वायर मीन्स आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट, सो वॉल्यूम इज गिवन, यहां वॉल्यूम की जगह हम वॉल्यूम नोट करेंगे 1024 इक्वल टू, या फिर ऐसे भी नोट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1024, दिस इज गिवन, सो ये हमने नोट किया, देन वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7 इंटू रेडियस 7 स्क्वायर करना है, इंटू हाइट वी हैव टू फाइंड आउट एज इट इज रहेगा वो, जब इसको सोल्व करेंगे तो, अब देखिए 7 स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू हाइट इक्वल टू 1024, ओके 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई, मैं आपको बताती हूँ कैसे क्यों नहीं करना है, h यही रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में है ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 1024 डिवाइड बाय 22 इंटू 7, मैंने किस लिए बोला कि आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इधर जाके आपको कैंसिल भी करना है, फिर आप कैंसिल करते टाइम ये सोचोगे इसमें कि इसको किससे कैंसिल करें, किसकी टेबल में आएगा वो आप फाइंड आउट करोगे, तो इससे इजी क्या है, इजी स्टेप ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ पे आपने देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके अब कैंसिल करिए इसमें, अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसमें, अब देखते हैं 7 से पहले इसको देखते हैं, 7 पहले डिवाइड करके देख लेते हैं होगा या नहीं होगा, ये 7 4 जा नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसको देखते हैं हम 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 जा, उसके बाद इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 1 2 डिवाइड बाय 77, व्हेन वी विल डिवाइड इट देन वी विल गेट 6.65 सेंटीमीटर, ऑल इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू 6.65 सेंटीमीटर, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 2 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ बिगर क्यूब हूज साइड इज 32 सेंटीमीटर, क्वेश्चन है कि एक बिगर क्यूब है जिसमें साइड है 32 सेंटीमीटर, एक स्मॉलर क्यूब है जिसमें साइड है 2 सेंटीमीटर, अगर आप बिगर क्यूब के अंदर स्मॉलर क्यूब रखते हो तो कितने क्यूब इसमें से काटे जा सकते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब के, रखना नहीं है कट करना है, तो बिगर क्यूब से 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स आप काट सकते हो, तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कट फ्रॉम या मेल्टेड फ्रॉम, तो उसके अंदर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, फर्स्ट वी विल राइट साइड, साइड ऑफ बिगर क्यूब दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, देन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, नाउ वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 2 into 2 into 2, फर्स्ट वी विल राइट फॉर्मूला दैट इज ए क्यूब वेयर ए इज साइड, 2 into 2 into 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं नोट करना है, देन वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब ए क्यूब इक्वल टू 32 into 32 into
32 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको नंबर ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने हैं, सो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, हमने क्या किया, बिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, स्मॉलर का किया, और अब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। इसलिए नहीं बोला था मैंने आपको, अब देखो जब आप इसको नोट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 32 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तब आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद फिर उसको कैंसिल करते, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये 16 से कट हो गया, ये भी 16 से और ये भी 16 से, या एक ही नंबर को आप कर सकते थे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 16 इंटू 16 इंटू 16, दैट विल बी इक्वल टू 16 क्यूब इक्वल टू 4096। दीज आर नंबर ऑफ क्यूब्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 120 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 30 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ रूम। फर्स्ट वी विल नोट व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ अ रूम इक्वल टू 120 मीटर क्यूब एंड एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ अ रूम, रूम फ्लोर है इसमें, इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम इसमें गिवन है, सो वी विल नोट वॉल्यूम ऑफ रूम, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें देखिए क्या हमारे पास गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट विल बी इक्वल टू, अब इसमें एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर होगा, सो ये आपके पास क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये कितना गिवन था 120 मीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इज गिवन 30 इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 120, देन हाइट विल बी इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 30, 0 टू 0 3 4 ज 12, सो हाइट विल बी इक्वल टू 4 मीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इट्स हाइट इज 35 सेंटीमीटर एंड द बेस एरिया इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, देन बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया की बात हो रही है तो यहां पे आप क्या नोट कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इज गिवन 1386 इनटू 35, इसको मल्टीप्लाई करके नोट करना है। अब व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस वी विल गेट 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्कुलर वेल इज डग, इट्स डायमीटर इज 120 सेंटीमीटर एंड इट्स डेप्थ इज 950 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लैंड रिमूव्ड टू मेक अ वेल। अब देखिए जब वेल बनाना होगा तो वेल किस फॉर्म में होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा, इसमें गिवन है इसका डायमीटर, डायमीटर इज 120 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन दैट इज इक्वल टू
950 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लैंड रिमूव्ड टू मेक अ वेल. सो वी विल राइट डायामीटर ऑफ वेल इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. देन वी विल राइट डायामीटर की जगह आप रेडियस लेंगे, रेडियस ऑफ वेल दैट विल बी इक्वल टू डायामीटर डिवाइड बाय टू. डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, डिवाइड बाय टू दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. देन डेप्थ, डेप्थ मीन्स हाइट हो गई, ये हाइट हो गई. Then we have to find out volume. So volume of well that will be equal to pi r square h. Value of pi 22/7. Value of r is 60. अब square I mean 60 into height 950. Now इसको cancel करके देखते हैं कि क्या ये cancel होता है. कैंसिल ये होगा नहीं, सो ये डेसिमल में आंसर आएगा. मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आएगा 7524, आफ्टर दैट 40 डिवाइड बाय 7. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10745714.2 सेंटीमीटर क्यूब. अगर आपको चेंज करना है इसको मीटर क्यूब में तो डिवाइड बाय क्यूब है ये, देखो ध्यान से देखना. तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 टाइम्स लेंगे हम 100, देन वी विल गेट 60. 1 2 3 4 5 60, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 10.745 मीटर क्यूब, और अप्रोक्स में 10.75 मीटर क्यूब. ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में था. जब सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो ये आपके पास आएगा 10.75 मीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन आयरन पोल इज 4 मीटर हाई एंड 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर. फाइंड इट्स वेट इफ द आयरन वेज 8 ग्राम पर मीटर क्यूब. मीटर क्यूब आया है, तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें. वैसे तो वेट फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना. देखिए कैसे करेंगे, हाइट ऑफ अब डायमीटर एंड हाइट गिवन है, मींस ये पोल है और पोल किसकी फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म. फॉर्म हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 4 मीटर, डायामीटर ट्वेंटी एट सेंटीमीटर. अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मीटर क्यूब में गिवन है. सो इसको जब करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 28 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.28 मीटर. देन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा इसमें, पाई आर स्क्वायर एच. अब देखिए वॉल्यूम के लिए पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर. इसमें देखिए आर हमने नहीं निकाला, ये डायामीटर है, तो इसमें रेडियस क्या होगा, यहां पे नोट कर लीजिए, रेडियस दैट विल बी इक्वल टू हाफ होगा इसका 0.14 मीटर. 0.14 इंटू 0.14 इंटू 4, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे. 7 से कैंसिल किया, 7 वन जा 7, 2 जा 14, 0.02. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
देन वी विल गेट 2, 4, 6, 4. नाउ वी हैव टू पुट अ डेसिमल आफ्टर, इसमें एक जीरो भी आएगा पीछे, 1, 2, 3, 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 2.4640 मीटर क्यूब. नाउ इसमें देखिए वेट गिवन, वेट गिवन है 5 ग्राम पर मीटर क्यूब. आपको वेट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे नोट करेंगे, हम इसमें वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब आयरन पोल इक्वल टू 5 ग्राम, देन वेट ऑफ 2.4640, जीरो नहीं करेंगे तब भी आएगा आंसर, मीटर क्यूब आयरन पोल दैट विल बी इक्वल टू 5 × 2.464. When we will multiply this, we will get 1.2320. That will be equal to, या फिर जीरो नहीं भी लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, मीटर क्यूब 1.2320 मीटर क्यूब. दिस इज योर आंसर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.